मोदी जी आएंगे तो पेट्रोल 30 रुपए लीटर करवाएंगे वाले अपने वादे से कब का पलटी मार चुके और ऐसे सवालों पर रिपोर्टर को देख लेने की धमकी देने वाले योग गुरु बाबा रामदेव अचानक पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए। ना तो कोई त्योहार, ना कोई खास मौका, तो फिर पीएम मोदी से बाबा रामदेव की इस मुलाकात के मायने क्या हैं? आखिर देश के पीएम के इतने बिजी शेड्यूल में बाबा रामदेव को मिलने का वक्त कैसे दिया गया? इन सवालों के जवाब मिले ना मिले, उससे पहले बाबा रामदेव ने पीएम मोदी की इस मुलाकात के लिए पीएम के लिए किस तरह के शब्द इस्तेमाल किए, सुनिए। देवतुल्य राष्ट्र ऋषि श्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए भगवान के वरदान हैं। आपसे योग, आयुर्वेद, स्वदेशी शिक्षा व स्वदेशी चिकित्सा से आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में संवाद एवं प्रेरणा पाकर अभिभूत हैं। मतलब बाबा रामदेव ने पीएम मोदी को राष्ट्र ऋषि तो बताया ही बताया, बल्कि उससे भी आगे जाकर पीएम को भगवान का वरदान बता दिया। हालांकि बाबा रामदेव की ऐसी भाव विभोर कर देने वाले शब्दों के बाद भी पीएम मोदी ने उनके साथ अपनी ना तो कोई फोटो पोस्ट की, ना ही इस मुलाकात का कोई जिक्र किया। जब बाबा रामदेव ने पीएम मोदी के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए ऐसी तस्वीरें पोस्ट की तो पब्लिक ने कहा, पेट्रोल की कीमत 30 से 40 रुपए करने पर भी बात हुई देवतुल्य जी से? वहीं नेहा सिंह ने कहा, पेट्रोल 30 रुपए हो गया क्या? देश में हिंदू मुस्लिम की नफरती आग लगाई जा रही है, पर ये देवतुल्य राष्ट्र ऋषि मौन व्रत धारण किए हुए हैं। वहीं सुमित कहते हैं, बाबा जी आप देशहित में पतंजलि का पेट्रोल ही लॉन्च कर दो, विदेशी पेट्रोल बहुत ही महंगा और पर्यावरण के लिए हानिकारक है, पतंजलि पेट्रोल मात्र 30 रुपए लीटर। पीएम मोदी के साथ बाबा रामदेव की इस मुलाकात के मायने क्या वाकई बस योग और आयुर्वेद या स्वदेशी शिक्षा ही था या फिर कुछ और, ये तो पता नहीं चल पाया। लेकिन बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण जितने प्रफुल्लित इस मुलाकात के बाद दिख रहे थे, वो अपने आप में कहानी बयां करता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें।